नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयर इंडिया के बारे में एक ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ जो अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सरकार अब एयर इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी के पास बेचने वाला है। तो ऐसा क्या हो गया है कि सरकार अब एयर इंडिया को बेचना चाहता है? और एक क्वेश्चन एराइज होता है कि एयर इंडिया का जो कर्मचारी है उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों का जॉब चला जाएगा? कितना सिक्योर रहेगा उन लोगों का जॉब, क्योंकि दोस्तों ये बेचने के बाद एयर इंडिया प्राइवेट हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा आपको बताएंगे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर, लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ इस चैनल में हम लोग रोज़ लाते रहते हैं। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा वाला बटन है वो भी प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में। दोस्तों, सरकारी हवाई कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने अपनी कवायदों को तेज कर दिया है। केंद्र सरकार पहले बनाए गए नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत दोस्तों जो भी समूह एयर इंडिया को खरीदेगा वो इसका नाम बदल सकता है। पहले था ये नियम, सरकार ने मार्च 2018 में ये नियम बनाया था कि बेचने के बाद खरीदने वाली कंपनी 3 साल तक एयर इंडिया का नाम नहीं बदल सकेगा। लेकिन अब दूसरे चरण में इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसकी वजह से भी कई कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने की पहले इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में इसे खरीदने से हाथ खींच लिए थे। कर सकेंगे विलय। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार विलय संबंधी प्रस्तावों को भी हटाने पर विचार कर रही है। अब जो भी समूह एयर इंडिया को खरीदेगा वो इसके पहले से चल रही कंपनी में विलय कर सकेगा। सरकार जहां पहले 76% बेच रही थी, वही अब 100% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। और दोस्तों, इससे सरकार का इस हवाई कंपनी पर दखल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 5000 करोड़ रुपया बकाया। दोस्तों, अगस्त में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने कहा था कि एयर इंडिया का बकाया ईंधन बिल 5000 करोड़ रुपया हो गया था, जिसका लगभग 8 महीने से भुगतान नहीं किया गया था। पहले भी रोकी थी ईंधन की आपूर्ति। दोस्तों, 22 अगस्त को IOCL, BPCL और HPCL ने पूरा भुगतान ना होने की वजह से किच्ची, मोहाली, पुणे, पटना, रांची और बीजक की 6 हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का ईंधन आपूर्ति को रोक दिया। वेतन के लिए कंपनी को हर महीने चाहिए 300 करोड़ रुपया। दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लाहोनी ने बताया था कि कंपनी को हर महीने केवल 300 करोड़ रुपया कर्मचारी को सैलरी देने में लग जाती है। तो दोस्तों, ये पूरा बात से तो ये तय है कि एयर इंडिया अब प्राइवेट हो जाएगा, सरकार अब एयर इंडिया को बेचने वाला है। तो एयर इंडिया का जो कर्मचारी है उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों का जॉब चला जाएगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।